नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके घटम चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजने प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग बालामय प्रतिषेध अध्याय जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको कैसे परीक्षा करें, और आगे का जो श्लोक है इसमें बच्चा जब रोता है तो अलग अलग भाषा में रो के हमें बताता है, अपनी वेदनाएं को बताता है, क्योंकि ऐसे तो वो बोल नहीं पा रहे। तो माँ जो होती है या वैद्य जो होते हैं उनको ये सारी चीजें आना चाहिए। बच्चे हर बात बताना चाहते हैं क्योंकि उसमें आत्मा है, आत्मा मतलब परमात्मा का अंश है। वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ चीजें बताता है जिसे पता चलता है कि वो बच्चा कुछ बोलना चाहता है। तो इसका जो श्लोक है, ये वाला श्लोक मैंने ऐसे क्लियर होने के लिए ये इसमें दिखाया है। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। और कोई रोहतास सिंह जी, कल आप रात को कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आप बोल नहीं पाए कल हमारी बातों में। डॉक्टर रोहतास सिंह जी, रात की संभाषा में मैं देख रहा था आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है, आज बाद में बताइएगा। अब वंदना मैम आप पढ़ेंगी? जी जी भाई जी हाँ ये पढ़िए, शिशो तीक्ष्णम अभीक्ष्णम च। शिशो तीक्ष्ण भीष्णम च रोदना लक्ष्य ये द्रुजम बालस्य तीक्ष्ण खर अभीक्ष्ण च रुज पीटा रोद रोदना लक्ष्येत जति रोद नेन किंचित रोदनेन च यथा योग रज विद्या विद्यादि त्यर्थ। हाँ, इसका मतलब है कि शिशु का तीक्ष्ण या भीक्ष्ण रोदने से उसकी रुजा को पहचानना चाहिए। बाल का जो ऐसे जब रो रहे तो ऐसे खर ऐसे रो रहा है या बहुत ज्यादा पेन में है तो रोदना लक्षित रोने से पता चलना चाहिए। अति रोदने बहुत ज्यादा रोने के साथ वह कुछ ऐसे कुछ इशारे कर रहा है। किंचित रोदने से यथा योग रज रुज विद्या देता, कुछ ना कुछ उसकी रुजा है वह जानना चाहिए, ऐसे बताया है। ये वाला फिर से पढ़ दीजिए, इसका हिंदी वाला भी पढ़ना है। पांचवा नंबर का जो श्लोक है वे फिर से पढ़िए, शिशो तीक्ष्णम अभीक्ष्णम। शिशु तीक्ष्ण भीक्षणम च रोदनाक्ष लक्षे द्रुजजम स यम स्प्रच्छेद भ्रशम देशम यत्र च स्पर्श नाक्षम मह तत्र विद्या द्रुजम बच्चे के जोर से एवं बार बार रोने से पीड़ा रोग को जानना चाहिए। बच्चा शरीर के जिस स्थान को अधिकतः स्पर्श करे जिस स्थान पर हाथ का स्पर्श रखे वहां पर पीड़ा को समझें। बालक की चेष्टा से पीड़ायमान स्थान का ज्ञान करना चाहिए। हाँ, अभी ना इसका संस्कृत वाला भी पढ़ दीजिए, यम च स्पर्शेत भृशम, ये वाला। जी स यम स्पर्शो दृशम देशम यत्र च
स्पर्शनाक्षम तत्र विद्याद्रुजम्। ये नीचे वाला पढ़िए, या देह देशम। या देहे देशम च मृष स्पर्शेत यत्र च देह देशे स्पर्शना क्षम स्यात तत्र देशे रुज विद्यात। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। यह देश देह देशम, जो स्थान पे, शरीर के स्थान पे वो स्पर्श करके बता रहे हैं। यत्र च देह देशे स्पर्शनानां क्षमा, मतलब स्पर्शना क्षमा, मतलब वहां पे वो हाथ लगा के हमें बता रहा है कि यहाँ पे उसको पेन हो रहा है। वो बताना चाहता है, वो आत्मा है, पूर्व जन्म के संस्कार है उसमें अभी, लेकिन उसकी इंद्रिया इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो मुंह से बोल पाए, लेकिन वो जरूर अपना कुछ ना कुछ संकेत देता है। आत्मा है तो उसको हर चीज मालूम है, आत्मा ज्ञः सर्वज्ञ, उसको सब चीज पता है। तो इसका आगे का जो श्लोक है ये संथा देके पढ़ना है। सब लोग अनम्यूट करिए। और कौन पढ़ना चाहेगा संथा देके, कौन पढ़ना चाहेगा? ऐसे शर्माइए मत आप लोग। माधुरी मैम, वंदना मैम, वर्षा मैम, कोई पढ़िए, वीना मैम। सर कौन सा? गुड मॉर्निंग। हाँ, ये मूर्धनी रुजम। और सिक्स हाँ, सिक्स सेवन। माधुरी मैम, आपका तबीयत कैसा है अभी? हाँ अच्छा है, ठीक है सर। कितना परसेंट ठीक है आप? सर है 60%। तो अभी क्या वेदना है, क्या है आपको तकलीफ? अभी तो मतलब सर जो अगर मैं ज्यादा ओवर वर्क करूंगी ना थोड़ा, तो मेरे वो स्पेशल ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं ना, शोल्डर थाइस के, ग्लूटियस मसल के, वो दर्द होने लगते हैं। मैं तो खिंचाव आने लगता है सर उसमें। तो फिर तो मेरा काम रिस्ट्रिक्ट होता है ना, मतलब कपड़ा ऐसा सुखा नहीं सकते, ना तो सब्जी हिलाने को तकलीफ होता है फिर, पर वैसे ही होता है। फिर बाद में कम आ जाता है। अगर मैं फिजियोथेरेपी, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो आराम लगता है सर। जब पहले से तो बेटर है सर, पहले बहुत कंटिन्यूअस था पेन, अभी ऐसा कैसा, थोड़ा एक्सरसाइज है वो रुकने तो लगा है पेन ऐसा है। और मेडिटेशन वगैरह करने से, प्राणायाम करने से बहुत फायदा हुआ, ये ओम जाप करने से। वो डॉक्टर भी बोले कि मेडिटेशन की आवश्यकता है, बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस है, टेंशन है लाइफ में, इसलिए आप इतना ये हुआ है, पेन हो रहा अच्छा, है। तो आप अभी क्या दवाइयां ले रही हैं? सर अभी तो अभी ज्योतिष्मती नस से चालू किया है, जी और सर अस्थि मज्जा मांस पाचक वटी चालू है, और सुवर्ण सूक्ष्म और बृहद्वाद चिंतामणि है सर, मैं ये ले रही हूँ। अच्छा, तो हाँ धीरे धीरे उस, संप्राप्ति ठीक हो रही है ना? हाँ ठीक हो रही है। पहले मैंने गृहिणी पे काम किया सर, अग्नि तुंडी वटी वगैरह चालू किया, उससे फायदा हुआ सर। पंचामृत पर ऐसा मतलब सब एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही महीना महीना कर, तो गृहिणी जरा ठीक किया। अभी मैं नस से ले रही हूँ सर ज्योतिषमती का, तो एंजाइटी लेवल जरा कम होने लगी है उससे। जो आपने ही भेजा था ना सर तेल अभी, हाँ हाँ तो वो सर अच्छा तेल है, मतलब मैंने देखा वो लाइट भी है, ऐसा लगता नहीं तेल गया है, और वो मृदु तीक्ष्ण पाकी, भी नहीं है। 101 आवर्ती का मृदुपाकी ज्योतिषमती तेल आपको कोई नहीं देगा पूरे इंडिया में। हाँ सर, इसलिए मैंने आपसे ही मंगवाया कि मुझे उसकी अभी जरूरत बहुत और है। उसको लेने के बाद आप देखेगा कि आपका मेमोरी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका बहुत पुराने पुराने, ये नहीं है कि पिछले जन्म की बात याद आएगी, लेकिन ये जन्म की हर बात याद आ जाएगी। पिछले जन्म का बात याद करना है तो वो तो योग साधना करना पड़ेगा। वो तो नहीं सर जमेगा अपने को, और करना भी नहीं, यही जन्म बहुत है। हाँ, तो लेकिन आपको देखिएगा हाँ मेमोरी अच्छा हो जाएगा, आपका सोचने का शक्ति बढ़ जाएगा ज्योतिषमती तेल। सर, और जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है ना, वो कम होनी चाहिए ना। हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ वो सर, वो ये वैसे तो, उसको हाँ मैंने उसका नस से लिया था जब मैं BMS कर रहा था, तो मुझे अध्याय के अध्याय याद होते थे श्लोक। अच्छा सर। हाँ, उसका इतना अच्छा फायदा होता और है। मेरा, मैं सर स्लीप डिस्टरबेंस हो रहा था ये बीमारी की वजह से, तो अभी वो ये गोलियां वगैरह चालू की, बृहद्वाज चिंतामणि, फिर बोलते हैं ना, तो थोड़ा नींद वगैरह सब ठीक होने लगा, मतलब हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। और मेडिटेशन बहुत करने लगी सर, नाम स्मरण रहता है ना अपना मराठी सर, नाम हाँ हाँ स्मरण देवाचं, ओम ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, नहीं तो काल भैरवाय नमः, तो हाँ उससे भी थोड़ा मन शांत होने लगा फिर सर। हाँ घर में भी बहुत स्ट्रेस का फैक्टर था, बहुत सालों से कुछ ना कुछ होता है, तो बहुत मेरे पर ही सब पड़ता था, ये काम और ये वो सब हैंडल करना। तो मुझे अभी वो लगता है ना, वो टॉल लिया मेरे मेंटल और है फिजिकल हेल्थ पे सर। जी, तो
अभी ठीक है, अभी कर रही हूँ, अपने ऊपर ही ध्यान रहे। सबका सोचते सोचते मेरा ही ये हो गया सर पूरा। हाँ ठीक है, तो आप बोलिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। माधुरी मैम मुंबई से हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। मूर्धि मूर्धि रुजम चाक्षी निमिलनाथ, बोलिए बोलिए सब लोग। जनचाक्षी निर्मीलनाथ, हृदि मूर्ति जिहौष जनचाक्षी जिहौष्ट दशन श्वास मुष्टि नि निपीड़ नैः। हृदय हृदि जिहौष्ट दशन श्वास दशन श्वास मुष्टि मुष्टि निर्पीड़न श्वास निपीड़ कोष्ठे विबंध वमथु स्तन दशांत्र कुज नयः। पोष्टे विबंध विबंध मथु वमथु स्तन पाउष कूजन श्वासांत्र कुज कूजन। इसका अर्थ। हाँ एक मिनट एक मिनट, मैं असली में किसी से बात भी कर रहा था चैटिंग पे। बहुत सारा टेंशन रहता है, एक साथ 10 काम करना पड़ता है। चलिए ये 8वां वाला भी पढ़िए। एक मिनट, हाँ आद्यमान आद्य आद्य मान पुष्ट वमन जटरोन वमनैरपि वसा। आद्यमान आद्यमानं पुष्टं जठरो प्रश्नमन नमन नमन रेपि। वस्तौ गृहे च विनमूत्रसङ्गो त्रासादि कीक्षणैः। वस्तु वस्तौ देश गृहे च विनमूत्र विनमूत्रो त्रासादि त्रासादि क्षणे। जी, तो इसका हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, फिर टीका फिर पढ़ेंगे। चलिए तो वो पढ़ना है क्या इधर? हाँ हिंदी का ना सर। हिंदी वाला पढ़िए। हाँ सर एक मिनट। अब बच्चा जो है वह तो कहीं ना कहीं तकलीफ है, तो वो अपनी बात बताएगा। हाँ सर एक मिनट एक मिनट। आंखों को बंद करने से सिर में पीड़ा को समझे, जीवा और ओठ को काटने से एवं श्वास तथा मुट्ठियों को बंद करने से हृदय में पीड़ा को समझे। मल मूत्र का अवरोध वमन और स्तन को काटने आंतों की गड़गड़ाहट आद्यमान पीठ का मोड़ने तथा पेट के ऊंचा करने से कोष्ठ में पीड़ा समझे। मल मूत्र के अवरोध से तथा डरे हुए की भांति चौंकने व देखने से बस्ती एवं गुह्य भाग में पीड़ा समझे। फिर डिस्कशन करिए, आपको क्या समझा बताइए, आपको क्या समझा। इसमें क्या है सर, बच्चे तो ना बोल के एक्सप्रेस नहीं करें, छोटे एकदम बच्चे तो उनके एक्सप्रेशन जो रहते हाव भाव या शरीर की जो हालचाल रहते उसी से हमें पता चलना है कि उसके बॉडी में कहाँ पेन है अंदाजा लगा। जैसे उन्होंने बताया आंखों को बंद करने से सिर मतलब ऐसे आंख बंद करेगा पूरी तरह या थोड़ा थोड़ा करता है तो समझने का सिर में उसको लगता है पेन है, सिर में पीड़ा है। या जीवा और ओठ को काटने से एवं श्वास तथा मुट्ठियों को बंद करने से हृदय में पीड़ा है सर। मतलब जीवा बच्चा अपना ही जीवा वो ऐसे काटेगा या अपनी मुट्ठी ऐसे बंद कर श्वास उसका रुक रहा है या मतलब धीरे धीरे ले रहा है लंबी श्वास, तो समझने का हृदय में पीड़ा है। और मल मूत्र का अवरोध है या वमन हो रहा है और या माँ के स्तन को वो काट रहा है तो समझने का कि सर अभी इस बच्चे ने 2-3 दिन संडास नहीं या पूरा दिन, तो आंतों में गड़गड़ाहट है उसमें तो आंतों की गड़गड़ाहट है। आद्यमान आद्यमान पेट फूला है तो उसमें पीठ के मोड़ना तथा पेट को पेट की तरफ सर वो मुड़ेगा या बोलते हैं ना ऊंचा करेगा, रोता भी है बच्चा सर तो हम हाथ लगाएंगे पेट को तो भी वो ऐसा ना हाथ लगाने नहीं देगा वो उसी टाइम रोएगा सर। टेंडरनेस भी हो सकता है नहीं तो दबा के देखना चाहिए। मलमूत्र के अवरोध से तथा डरे हुए एक ही भांति चौंकने या देखने से बस्ती एवं गुह्य भाग में पीड़ा सर, उसके जेनाइटल ऑर्गन्स में अगर पीड़ा है या बस्ती नीचे लोअर अपडोमन तो उधर भी सर हाथ लगा के देखना चाहिए। और वो जब वो मलमूत्र अगर सर वो पास भी करा उसी वक्त उसको पेन हो रहा है तो समझने का उधर कुछ तो संप्राप्ति है सर उस जगह गुह्य भाग ऐसे। हेलो हाँ बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी इसका जो टीका है, टीका पढ़ के हिंदी अर्थ बताइए। शिरसी पीड़ना पीड़ा मक्षी, पढ़िए माधुरी मैम। से ये 8वां नंबर का एक श्लोक के रति नीचे, रानी क्या
शिरनी पीड़ामक्षी निमीलना द्वितात विना या विनाशे विनाश विनाश हेतु मत एव जीव जीवोष्ट दशनादि भी पीड़ा विद्यात विबंधादि भीर व्यामानादि भीष्ट कोष्टे रुज विद्यात बस्तो भुवे च पीड़ा विड़ संगादि इसका भी मतलब विद्यात। ये, हाँ बताइए अर्थ। सर एक महीना सर मेरा कुकर की सीटी बजी। हाँ सर सिर में अगर सर शीरा पीड़ा मक्षी निमिलना द्वितात मतलब सिर में पीड़ा हो बच्चे के तो वो अक्षी को सर वो बंद करेगा ऐसे बंद करे सब बराबर है ना मिलने बराबर द्विता है, विनाश हेतु मत एव जीवा औष्टव अशनादि भीरद्री पीड़ा अगर वो सर ये जीवा औष्ट मतलब जीवा औष्ट खुद का ही सर दशनादि काटेगा तो सर वो समझने का हृदय में पीड़ा और सर ये आगे विनाश हेतु मत मतलब क्या उसका मतलब है। विनाश हेतु मत है, वो मतलब वो ऐसा बता रहे कि उसको तकलीफ हो रही है। हाँ अच्छा। और फिर मतलब वो जीवा ओष्ठ अपना ही काटेगा तो समझने का हृदय पीड़ा विद्यात हृदय में है जी, ना। और फिर विबंधादि सर विबंध विबंधादि रहेगा, आदि रहेगा, आधमान रहेगा, ये सब रहेगा, तो कोष्ठ में रुझा है ऐसा पता दर्द चल। हो गया। हाँ और बस्ती गुहिया में पीड़ा होगी तो मल अवरोध रहेगा सर है ना। हाँ, अवरोध आदि रहेगा, तो वो हाथ लगा के ऐसे बताता है हर जगह। जी, इसके आगे का जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। देखिए, आंखों को बंद करके सिर की पीड़ा को समझना है। आंखें को बंद कर रहे हैं बार बार। जीवा और होंठ काटने से, श्वास और मुट्ठियों को बंद करने से हृदय की पीड़ा को समझे। मुट्ठियां बंद कर रहे हैं, होंठ काट रहे हैं, जीवा को काट रहे हैं, मल मूत्र का अवरोध वमन और स्तन को काट रहे हैं, आंतों की गड़गड़ाहट, आत्मान, पेट का मोड़ना और पेट के ऊंचा करने से कोष्ठ की पीड़ा को समझे। पेट को ऐसे ऊंचा ऊंचा कर रहे हैं, और मल मूत्र का अवरोध से और डरे हुए की भांति चौंकने या देखने से बस्तियों गुहे की पीड़ा को समझे। ऐसे चौंक जा रहे हैं अचानक, और ऐसे देख रहे हैं अचानक वो कंटिन्यू, इन सब से हमें पता चलता है। चलिए, इसका आगे संथा दे के पढ़ना है। 9, 10, 11, 12 कौन पढ़ना चाहेगा? संथा दे के पढ़ना है, पढ़िए। आप लोग में से सब तो इंटेलिजेंट लोग हैं। वंदना मैम, आप पढ़ेंगी प्लीज कोई? पढ़ हाँ, सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। शिशु रोग की चिकित्सा। अत्रदान बोलिए सब लोग। क्रिया अत्रापि क्रिया कुरिया अत्रदान क्रिया क्रिया यथामयम तत्रवातात्मके तत्रवातात्मके सन्ने दशमूलं त्रयं पिबेत। दशमूलं त्रयं पिबेत अथ अथवा अग्निर्वता पाठा पटुका कुष्ठदीप्यकम्। पटुकाकुष्ठदीप्यकम् समाधिपत्री सरलकृत्सिम् समाजीवदारुसरलवृषभ दारु सरल कालिकतोपोत्थानम् पड़ोसी कालिकशोभणम् ततः पिदीनस्य समम् तथापि वेद अन्यतम ततः वात व्याधिहरम व्याधि घृतम् अनुनासुरामिवम् अनुचाच सुरामेवम् निघ्नाम् निघ्नाम् मृदुभिरेचयेत् वस्ति कर्म ततः कुर्यात् कुर्यात् साधु लापवान्
वेदादीश नील पहाड़ देवदारुरजोन्वितम् बालोलिहादुघृतम् चैर्वा सशितोपलम् विपक्षं सशितोपलम् दोषारोप के अनुसार धात्री की दूध पिलाने वाली की चिकित्सा करनी चाहिए। इनमें वात से दूषित दशमूल क्वाथ को 3 दिन पिए, अथवा चित्रक वत्स पाथा कुटकी अजवाइन भारंगी देवदारू सरल काष्ठ बिच्छू बूटी पिपली थाली में इनका स्वाद 3 दिन पिए। संग्रह में अधिक है। इसके पीछे वात व्याधि में सही बैठो घृतों में से थोड़ा थोड़ा घाव के काट दो नहीं था मुझे। कोई एक है। इस प्रकार से मृग बनी धात्री को कोमल विरेचन अमलतास या गुलकंद से देवे। पीछे से भक्ति कर्म एवं वातनाशक प्रेदन आदि को करें। शिवदास सेन जी की टीका में अनु स्वास्थ्य यह पंक्ति नहीं है। रासना अजवाइन सरल काष्ठ देवदारू इनके चूर्ण को घी में मिलाकर बालक को चटाएं, अथवा रासना आदि से सिद्ध घृत को शर्करा के साथ चटाएं। रजो अन्वितम के स्थान पर वचोन्वितम पाठ जी बहुत जब बढ़िया पढ़ा आपने मैम। डॉक्टर मनीषा मैडम, आप अगर ऐसे चिकित्सा करेंगी ना तो लोग आपके पास भाग भाग के आएंगे, क्योंकि आपने अभी केस हाल में ठीक भी किया है, दो तीन केसेस और भी बताएं, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो किसी के पास नहीं, कोई वैद्य हुए, क्योंकि आप सुबह ये सब पढ़ती हैं, तो आप इसमें से निकालिए। जब भी वात दुष्ट स्तन्य वाले पेशेंट आए तो इसमें ये सारी चीजें करनी है, बहुत मजा आएगा। हाँ जी सर। हाँ, जो लोग पढ़ते हैं ना उनको कुछ ना कुछ आइडिया आता है कि ये देना चाहिए। अभी देखिए, दोष और रोग के अनुसार धात्री के दूध की, जो दूध पिलाने वाली धात्री है उनकी चिकित्सा करना चाहिए। इसमें वात से दूषित अगर है स्तन्य, जो मतलब कसैला है, फेन युक्त है, तो उसमें दशमूल क्वाथ को 3 दिन तक पिलाना है, या फिर चित्रक वचा पाठा कुटकी अजवाइन भारंगी देवदार सरल काष्ठ बिच्छू बुटी पिपली काली मिर्च, इनका क्वाथ 3 दिन तक पीना है। संग्रह में सोंठ अधिक है, सोंठ डाल के ये पिला दीजिए, तो वात दुष्ट जो है वात का शमन हो जाएगा, दीपन पाचन होगा, रसव स्त्रोतस खुल जाएगा, स्तन्यव स्त्रोतस खुल जाएगा, तो अपने आप अच्छा दूध की निर्मित होगी वात का शमन होने से। दूसरा है कि वात व्याधि में कहे हुए घृत बताए हैं, तो अश्वगंधा घृत है, शतावरी घृत है, विदार्यादि घृत है, बलादि घृत है, जो भी वात व्याधि में घृत है वो एक घी को दें तो स्नेहन हो जाएगा। उसके पीछे निर्मल सुरा दें, अभी सुरा नहीं मिलता है तो कोई आसावरी दे दीजिए, दशमुलारेश, द्राक्षासव, द्राक्षारेश, पुनर्नवासव, झंडू पंचारेश, जो भी है ना सुर, ये मध्य कल्पना दीजिए, संधान कल्पना। इसके बाद में स्निग्ध बनी धात्री को अभी उनको स्नेहन करा देना है, स्नेहन कराने के बाद स्नेहन शोधन करके फिर विरेचन देना है, ताकि बॉडी का पित्त और टॉक्सिन सब निकल जाए, तो अम्लता से, गुलकंद से देना है। उसके बाद बस्ती कर्म देना है, वातनाशक स्वेदन देना है, जैसे नाड़ी स्वेद डालिए, नाड़ी स्वेद में आप निर्गुंडी के पत्ते डालिए, या फिर दशमूल का बिलवादी क्वाथ, इसका स्वेदन दीजिए, तो ये बहुत अच्छा फायदा होगा। इसके बाद रासना अजवाइन सरल काष्ठ देवदारू, जो मिलता है उनके चूर्ण को घी में मिलाकर बालक को चटाना है, या रासना आदि से सिद्ध घृत को शर्करा सन चटाना है, तो इससे वात जन दुष्ट जन्य जो स्तन्य है वो पूरा तरह से ठीक हो जाता है, और मीठा और अच्छा और पौष्टिक स्तन्य की प्रवृत्ति होती है। और हमें प्रमोट करना है कि माता का ही दूध पिलाना है, वो डब्बे का दूध या फिर पाउडर वाला दूध वो सब नहीं देना है, जितना माँ का दूध शुद्ध होगा उतना बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा होगा। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स उसके अल्टरनेट में भैंस का दूध, गाय का दूध शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें माता का दूध के लिए स्तन्य की शुद्धि करनी है।
चलिए इसका ना टीका पढ़ना है, ये वाला श्लोक का टीका पढ़ते जाइए। अत धात्र्या क्रिया, कोई पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। वर्षा में माँ पढ़ेंगी जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। टीका बस पढ़ना है सर। हाँ, अथ धात्र्य क्रिया कुर्यात, ये वाला यहाँ से टीका अथ टीका पढ़ेंगी। धात्र्या सर, अथ अनंतर एव ज्ञात्वा धात्र्या वैद्यो यथा दोष यथा रोग क्रिया कुर्यात्। इसका मतलब है कि अब इसके बाद में ये जानना है कि कौन सा दोष है, वैद्य धात्री का सब समझ के जैसा रोगे वैसे क्रिया करनी है। नौवा दसवा का पढ़िए। तत्र वातात्मके स्तन्ये दश मूलं त्रयः पिबेत् अथवा अग्निवचा पाठा कटुका कुष्ठदीपकम् सभार्गी दारु सरल वृश्चिक काली कशो कणोषणम् कणा उष्णम्। टीका पढ़ोस्ति सर। हाँ, तत्र तेषु वातेन दुष्टे स्तन्ये त्राणि दिनानि दश मूल पिबेत् अथवा चित्रकादीनि क्वाथानि त्रयः पिबेत्। इसका मतलब है कि वात से दुष्ट अगर स्तन्य है तो 3 दिन तक दशमूल का काढ़ा पीना है, या चित्रक आदि का क्वाथ 3 दिन तक पीना है। इसके बाद 11 नंबर का टीका पढ़ दीजिए। 11 और 12 आपको। अनंतर हाँ वात व्याधि चिकित्सितोक्त घृत पिबेत पश्चात दक्ष सुरा पिबेत एव स्निग्धा सती मृदु विरेचयेत आरगवधेन अनंतर वस्ति कर्म कुर्यात स्वेदादिष्ट मास्तापहान आदि शब्देन अभ्यंग अभ्यंगादि इसका मतलब है कि इसके बाद में वात व्याधि चिकित्सा में उक्त जो घृत है बताएं वो पिलाना है, उसके बाद में शूरा पिलाना ग्रहण। है, उसके बाद में स्नान करना है, स्नान करने में मृदु विरेचन करना है, आर्कवद आदि से मृदु विरेचन करना है, उसके बाद में भस्त्रिका कर्म करना है, तिल आदि जी देना है वायु का शमन करने के लिए, आदि शब्द से मारुतापहन भंग आदि भी देना है। जी 12 नंबर का पढ़िए। रासनादि चूर्णान्वितम चूर्णान्वित चितु सा प्लीहियात अथवा तय सिद्धिस्ता शर्कर घृत लिहियात। इसका रासनादि मतलब कि चूर्ण रासना, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। नहीं सर आप बताइए। रासना आदि चूर्ण से मिक्स करके घी लेहन घी कराना मिला है, कर हाँ घी मिला के देना है, उसी तरह से उनसे जी सिद्ध घृत को शर्करा डाल के फिर लेहन कराना है, लेहन मतलब चटाना है। अब ले टाइम में जो रहता है वो चाट के खाते हैं हम लोग, ठीक है। अब भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा, टाइम हो गया है इसलिए। वीना मैम आप भगवान का प्रेयर करेंगी? सर करती हूँ। भगवद गीता का पहला अध्याय युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये पराक्रमी लोग युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली ऐसा उत्तम ओजा सुभद्रा पुत्र और सुभद्रा के अन्य पुत्र ये सब योद्धे पांडवों के बीच में लड़ने के लिए तैयार है। थैंक यू सर। जी थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, और आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग सुबह सुबह आते हैं इतना अच्छा पढ़ने के लिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।